एक महीना गुजर जाने के बाद अब 23 अगस्त को 5:47 पर वो पल आने वाला है जिसका इंतजार हम करोड़ों भारतीय कर रहे हैं, यानी हमारा चंद्रयान चांद की सतह पर उतरने वाला है। चांद की सतह पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 का असली मिशन शुरू होगा। सब कुछ सही पाकर रोवर प्रज्ञान को एक सीढ़ी के जरिए चांद की सतह पर उतारा जाएगा, काफी कुछ वैसे ही जैसे व्हीकल ट्रक से गाड़ी उतारी जाती है। कल इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 शुरू से लेकर अंत तक चांद पर उतरेगा। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए कल वाला वीडियो पहले देख लें। इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चांद पर उतरने के बाद लैंडर मॉड्यूल विक्रम से रोवर प्रज्ञान कैसे बाहर आएगा और बाहर आने के बाद कितनी दूर तक चलेगा और इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है। हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही इस बार भी लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम रोवर के डिजाइन को समझते हैं। रोवर को 14 अर्थ डेज के मिशन पीरियड के लिए ही इनिशियली डिजाइन किया गया है, यानी रोवर सिर्फ चांद पर 14 दिन ही काम करेगा, उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। रोवर में कुल वजन 26 किलो है। रोवर प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा है। इसमें 2 नेविगेशन कैमरास लगे हैं, जिसका नाम इसरो ने नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट रखा है। इनको आप इसरो वैज्ञानिकों या फिर रोवर की 2 आंखें भी समझ सकते हैं। इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लगा हुआ है। ये लैंडिंग साइट के आसपास चंद्रमा की धूल और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा। इसमें 2 रिसीवर ट्रांसमीटर एंटेनास लगे हुए हैं, जो लैंडर मॉड्यूल को संदेश भेजने और रिसीव करने का काम करेगा। इसमें 2 आगे और 2 पीछे सिल्वर कलर के टायर लगे हुए हैं, जिनका नाम रॉकर बोगी असेंबली रखा गया है। साथ ही बीच में काले कलर के 2 टायर लगे हुए हैं, जो रोवर प्रज्ञान को 50 mm ऊंचे ऑब्जेक्ट से आसानी से निकलने में सहायता करेगा। रोवर को अच्छे से समझने के बाद चलिए अब रोवर प्रज्ञान को उतारते हैं लैंडर मॉड्यूल से बाहर। चांद पर लैंडिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद शुरू होगी चांद से रोवर के बाहर आने की प्रक्रिया। रोवर की कार्य करने की प्रक्रिया को आप पहले संक्षिप्त में इस वीडियो से समझिए, इसके बाद हम विस्तार से समझेंगे। लैंडर मॉड्यूल गेट ओपन, ये लैंडिंग प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें लैंडर मॉड्यूल के गेट खुलेंगे और रोवर बाहर आएगा। स्कैनिंग मून सरफेस, दूसरा चरण। इसमें रोवर नेविगेशन कैमरे की मदद से चांद की सतह को स्कैन करेगा। सेंडिंग डाटा टू इसरो सेंटर, तीसरा चरण। इसमें रोवर फोटोज और वीडियोस को इसरो कमांड सेंटर को भेजेगा। मूवमेंट ऑन मून सरफेस, चौथा चरण। इसमें रोवर इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर चांद पर चलना शुरू करेगा। रिसर्च ऑन मून सरफेस, ये रोवर वॉकिंग प्रक्रिया का पांचवा और आखिरी चरण है। इसमें रोवर चांद की जमीन पर रिसर्च करेगा। अब समझते हैं विस्तार से। इसरो से मिली जानकारी के अनुसार लैंडर मॉड्यूल से चांद पर उतर जाने के बाद चांद की सतह पर सब कुछ सही पाकर करीब 6 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर मॉड्यूल विक्रम से बाहर आएगा, वो भी इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर। रोवर प्रज्ञान को एक सीढ़ी के जरिए चांद की सतह पर उतारा जाएगा,
काफी कुछ वैसे ही जैसे किसी ट्रक से गाड़ी उतारी जाती है। लैंडर मॉड्यूल से निकलते वक्त ही रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल्स खुल जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। चांद की सतह पर रोवर लैंड करते ही अपनी दोनों आंखें यानी नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और नेविगेशन कैमरा राइट के माध्यम से चांद की सतह और चारों ओर से स्कैन करेगा और फोटोज और वीडियोस इसरो को भेजेगा। इन फोटोज और वीडियोस के आधार पर इसरो वैज्ञानिक इसका एक 3D मैप बनाएंगे और इसी के आधार पर इसरो वैज्ञानिक रोवर के रास्ते को प्लान करेंगे। इस पूरे प्लान को इसरो वैज्ञानिक वापस चांद पर भेजेंगे और इस मैप के आधार पर रोवर को चलने की कमांड देंगे। इसरो वैज्ञानिकों की कमांड पर रोवर चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा। साथ ही एक बात और जान लीजिए, जिसको जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। रोवर का पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाठ से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चांद की सतह पर रोवर के चलते समय सामने कोई 50 mm तक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर ये आसानी से निकल जाएगा। 50 mm से अधिक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर ये अपना रास्ता बदल देगा। इसरो वैज्ञानिक की कमांड पर रोवर एक जगह रुककर लेजर किरणों को चांद की सतह तक भेजेगा। चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। रोवर चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। रोवर में और भी कई उपकरण लगे हैं, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। रोवर में स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्री ऑफ विजिटेबल प्लेनेट अर्थ SHAPE भी लगा है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेज सकेंगे। चंद्रमा की सतह पर परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकेगा। अब बस इंतजार है उस 23 अगस्त का, जब रोवर प्रज्ञान सच में चांद की सतह पर चलेगा। रोवर प्रज्ञान के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग प्रक्रिया के वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, देखना ना भूलें। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग 23 अगस्त को हम आपको लाइव दिखाएंगे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।